भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त हमीरपुर मंडल अध्यक्ष अगस्त्य ठाकुर और मंडल सचिव अक्षय कुमार का बल पंचायत में पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयोजित युवा सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए युवाओं को कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही नवनियुक्त अध्यक्ष अगस्त्य ठाकुर ने युवाओं को मास्क और मफलर भी बांटे। कार्यक्रम के दौरान बलगांव के युवा आशीष कुलेरिया, संजीव कुमार, कार्तिक पुरी, रविंद्र कुमार, सतीश कुमार भी मौजूद रहे। नवनियुक्त हमीरपुर मंडल अध्यक्ष अगस्त्य ठाकुर ने कहा कि युवाओं के साथ तालमेल बनाने के अलावा कोरोना बीमारी से बचने के लिए आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को चाहिए कि कोरोना महामारी के दौरान सजग रहे। यहाँ पे हमारे बाल युवा मंडल में कोरोना जैसी जो आज हमारे बीच में वैश्विक महामारी है, उसमें जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि किस प्रकार सामाजिक दूरी आपस में बनाए रखनी है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम यहाँ युवा साथी युवा मोर्चा में नई दायित्व मिला है, तो उस प्रकार हम आज यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आज हमने सभी ने भाइयों ने यहाँ पे मास्क वितरण का कार्यक्रम रखा था और जूसेस हमने थोड़े अपने युवा साथियों को वितरित किए। उसका एक उद्देश्य ये है कि किस प्रकार कोरोना जैसी जो एक वैश्विक महामारी आज हमारे मध्य में है, उसमें आपस में कैसा समन्वय हमारे बीच में रहे। मुझे लगता है ये एक सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि आज के समय में गांव में हम देखेंगे कि युवा एक जो हमारी राष्ट्र शक्ति है वो किस प्रकार जो इतने ज़्यादा से ज़्यादा कामों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी, लेकिन आज एक वैश्विक महामारी के चलते वो अपने घरों में पड़े हैं। तो जिस कारण आज हमारा मन हुआ युवा साथियों का कि किस प्रकार हम इनको मास्क वितरण करें और इनको जूस प्रदान करें, बस हमारा सीधा सा यही मोटिव था। वही मंडल सचिव अक्षय ठाकुर ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और युवाओं को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को मास्क बांटे हैं ताकि बीमारी से बचाव हो सके। मैं नहीं कह सकते थे, बस हम वितरण करने आए थे कुछ साथियों के साथ, अब मास्क और जूस खाने पीने का सामान इन्हें वितरित किया गया, बस प्रोत्साहित करना और ज्यादातर की पार्टी के साथ जुड़े ताकि हमें समर्थन दें, सहयोग दें।